ओ सरकारी सांड खड़ा हो जा, दोपहर हो गई है। उठावा तो हूं मैं। मेरे जैसे कितने हैं जरा कमेंट सेक्शन में बताना जरा। वैसे हम जैसों का तो चलता है, खाया पिया, चाय पानी मिले अपन कुछ। लेकिन जो बच्चे सीरियस होते हैं अपनी लाइफ के बारे में, जिनको असली में कुछ करना है, जिनको पढ़ना है, पिछले 6-7 महीनों से, मतलब बहुत टाइम हो गया ना लॉकडाउन के बाद, कभी आपने उनके बारे में सोचा है जो असली में ऑनलाइन क्लास के आगे 8-8 घंटे बैठे हैं? चलो उनके बारे में सोचते हैं। The permutation and the combination of the content of the hemoglobin in the atmosphere according to the constitution of India is out of control from the bottom of my heart. Okay, so the permutation and combination is actually the content of the hemoglobin in the atmosphere for the constitution. Hey, Sudarshan. हाँ सर, कहाँ ध्यान है? हाँ, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन होगा सर, बोल रहे तो हो, कर रहे सर। मैं इधर ही हूँ। जो लोग कोडिंग सीख रहे हैं, चलो ये तो हो गया मजाक की बातें, अभी कुछ चीजें देख लो। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम डैमेजेस ब्रेन सेल्स। ओके, जो बच्चे ज्यादा देर उसके आगे बैठे उनकी मेमोरी, लैंग्वेज और थिंकिंग स्किल्स नीचे जा रही हैं। और ये क्या, स्क्रीन टाइम से ब्रेन को थिनिंग हो रही है, मतलब उसको पतला हो रहा है। सिम्टम्स, स्ट्रेस, ड्राई आइस, ब्लर्ड विजन। और ये नागर कोयल वाला तो आपने भी सुना होगा, 12वीं के लड़के का ब्रेन डेथ हो चुका है, ही इज नो मोर। देखिए ऐसे वाले वीडियो में ज्यादा व्यू तो आते नहीं, फिर भी 78,000 सब्सक्राइबर्स में से कुछ हजार डेढ़ हजार लोग अगर देख लें और उनमें से 100 को समझ आ जाए और उनके 3-4 माँ बाप को ये समझ आ जाए कि ज्यादा प्रेशर करने की जरूरत नहीं बच्चों को, कुछ काम उल्टा भी हो सकता है, बस उतना काफी है मेरे लिए। देखिए कि ये जो एक्सरसाइज होती है वो हर चीज का सोल्यूशन होता है। एक कूल माइंड, शांत तरीके से आप अपनी लाइफ को लीड करना चाहते हैं तो एक्सरसाइज, वर्कआउट, थोड़ा सा प्लेफुलनेस, कुछ भी चलेगा। या फिर आप अपने पेट्स के साथ भी खेल सकते हैं, इसमें भी दिमाग फ्री हो जाता है। कहाँ गया? मैं सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताता, एक छोटा सोल्यूशन भी है। जितना टाइम आप इन चीजों में दिमाग खपवा रहे हैं उससे थोड़ा सा टाइम आप अगर थोड़ा सा कुछ भी, उससे आधा भी टाइम अगर आप रनिंग, साइकिलिंग कुछ भी करते हैं, या फिर अगर आपको ऐसा कुछ वर्कआउट टाइप अच्छा लगता है, अगर ये सब अच्छा लगता है तो ये करिए। अपने बच्चों को हाथ में एक बॉल दीजिए, बाहर जाइए, बोलिए, मतलब कहीं भी कुछ भी करो, कुछ भी करो। फिजिकल प्रैक्टिकल स्किल लोगों की लूज हो रही है क्योंकि आप स्क्रीन के आगे टाइम बिता रहे इतना जितना नेचुरली कभी भी किसी भी जनरेशन ने बिताया नहीं था। समझ रहे हैं आप? और कुछ नहीं कह रहा हूँ, प्रैक्टिकल कुछ काम करिए, स्पोर्ट्स पकड़िए, एनी फिजिकल एक्टिविटी, फुटबॉल, बास्केटबॉल। स्वामी विवेकानंद ने कभी कहा था, अ मैन हु इज प्लेइंग फुटबॉल इज मोर क्लोजर टू द डिवाइन देन समबडी हु इज प्रेइंग। क्योंकि जब आप एक गेम खेलते हो तो उसमें इतना इन्वॉल्वमेंट होता है कि आप इन्वॉल्वमेंट इन अ हायर लेवल कैन बिकम यूनियन, एंड यूनियन इज योगा। समझ रहे हैं आप? इनको ये छोटी एक्सरसाइजेस को, प्लेफुलनेस को, प्लेफुलनेस से ही भगवान श्री कृष्ण ने सब लोगों को योग वाले उस लेवल में पहुंचाया था, उसी को रास कहते हैं। समझ रहे हैं आप? तो इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए लाइफ में। अगर आपका हेल्थ है तो वेल्थ है, सब लोग जानते हैं लेकिन कोई माइंड नहीं करता। ठीक है, थोड़ा माइंड करना शुरू करिए। अगर आपके पास और कुछ नहीं तो हम गरीबों की भी क्लास चलती है, करंटे टीवी ऑनलाइन क्लास, उसको ज्वाइन करना है तो वैसे मैं बोल नहीं रहा हूँ लेकिन फिर भी डिस्क्रिप्शन में एक बार खोल के देख लीजिएगा, ज्यादा कुछ जाएगा नहीं। अभी कुछ लोग कहेंगे कि ये भी तो ऑनलाइन क्लास जैसा ही हुआ। नहीं, जिंदा लाश के जैसे मैच पीरियड में बैठना और फिजिकल एक्टिविटी करना दोनों अलग है। इस तरह की क्लासेस से उल्टा ब्रेन एक्टिवेट होता है। और या फिर कुछ भी, वॉकिंग, साइकिलिंग सब चलता है, उससे क्या होगा, ब्रेन डेड होने से बचोगे, आपके लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, हम जैसों का तो चलता है। जो बेचारे बच्चे कुछ बोल नहीं सकते, माँ बाप को उल्टा जवाब नहीं दे सकते, जो चुपचाप सारे काम कर रहे हैं आपके कहने पे, उनके बारे में सोचो, उन पे ज्यादा प्रेशर मत डालो बस।